पिछले 3 दिनों में बुलढाणा जिले में अलग अलग घटनाओं में 2 बच्चों के अपहरण की घटना सामने आई है। इसमें एक व्यक्ति की हत्या कर कब्र में दफनाने की घटना सामने आई है। 14 साल का एक और लड़का अभी भी लापता है। 2 दिन पहले बुलढाणा जिले के चिखली तालुका के अंबाशी गांव से 10 वर्षीय शेख अरहान शेख हारून का अपहरण कर लिया गया था। जांच के बाद पता चला है कि उसकी हत्या की गई है। जब पुलिस युद्ध के मैदान में बच्चे की तलाश कर रही थी तो पुलिस को बच्चे के रिश्तेदार शेख अंसार पर संदेह हुआ। जब पुलिस ने शेख अंसार को हिरासत में लिया और उसने गहन पूछताछ की तो उसने अरहान का अपहरण करने और उसका गला घोटने की बात कबूल कर ली और पुलिस को बताया कि सबूत नष्ट करने के लिए उसके शव को एक खाई में दबा दिया गया था। पुलिस ने रात में अरहान का शव बरामद किया। आरोपी शेख अंसार शेख नासिर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है, लेकिन इससे अंबाशी गांव और आसपास के इलाकों में सनसनी मच गई है। यह घटना तो ताजा है, लेकिन शेगांव तालुका से इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली खबर सामने आई है। शेगांव तालुका के नागसरी का एक 14 वर्षीय लड़का कल से लापता है। लड़की का नाम कृष्णा राजेश्वर कराले है और वह मंगलवार सुबह 10 बजे स्कूल गया था। स्कूल के बाद भी काफी समय बीत गया, हालांकि कृष्णा घर पर नहीं लौटा। इससे उसके परिवार को तलाश करनी पड़ी थी। गांव व स्कूल क्षेत्र में काफी खोजबीन के बाद भी कृष्णा नहीं मिला है। 24 जुलाई की सुबह तक कृष्णा का कोई पता नहीं चला। वह शेगांव के एक स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है। उनका परिवार चिंतित है और हर जगह उसकी तलाश की जा रही है। जिले में पिछले कुछ दिनों से नाबालिग बच्चों के लापता होने के मामले बढ़ गए हैं। पुलिस ने बच्चों पर नजर रखने और सावधानी से नजर रखने की भी अपील की है। शेगांव सिटी पुलिस स्टेशन के थानेदार नितिन पाटिल ने अपील की है कि जो कोई भी शेगांव तालुका के नागसरी के कृष्णा राजेश्वर कराले को ढूंढे जो अभी भी लापता है वह पुलिस से संपर्क करे। काल माझा मुलगा सकाळी 7 वाजता क्लासेससाठी घरून निघाला। त्या क्लासेसचा टाइम 8 ते 9 आहे। तर तिथून तो मुरारका शाळेसाठी रवाना झाला। ट्यूशन आटोपल्यानंतर तर तो मधातच कोणाच्या तरी गाडीवर बसून गेला असे त्या सोबतच्या मुलीचे हो म्हणणे आहे। तसे आमची आहे की त्याचा लवकरात लवकर यांनी शोध घ्यावा आणि जनतेने थोडं आम्हाला सहकार्य करावं। हो काल संध्याकाळीच पोलिसात तक्रार नोंदवली, रातभर त्याचा शोध घेतला। पुन्हा अकोला रेल्वे स्टेशन, अकोला बस स्टँड याची पाहणी केली। सर्व शेगाव शहरवासियांना शेगाव शहर पोलीस स्टेशनतर्फे एक आवाहन आहे की शेगाव शहराच्या चित्रकला चौक येथून कृष्णा राजेश्वर कराळे हा 13 वर्ष 5 महिन्याचा मुलगा ट्यूशनला जातो असे सांगून ट्यूशनला गेला, परंतु तो घरी आलेला नाही। तरी या आवाहनाद्वारे माझी सर्व नागरिकांना विनंती आहे, सदर मुलगा कुठेही मिळून आल्यास पोलिसांना त्वरित संपर्क करा। माझा स्वतःचा भ्रमणध्वनी क्रमांक आहे 88 88 471 425, तसेच जिओचा 93 21 57 93 48। याचा तपास कसा सुरू आहे? या प्रकरणाचा तपास आम्ही तांत्रिकदृष्ट्या करत आहोत, तसेच शहरातील CCTV फुटेज पूर्ण चेक करून शेवटपर्यंत मुलगा जी हालचाल दिसून येईल त्याप्रमाणे तपास करीत आहोत। मोबाईलद्वारे ही काही माहिती मिळाल्यास त्याचाही तपास घेतला जाईल, परंतु तरीही नागरिकांची आम्हाला मदतीची गरज आहे। कळकळीची विनंती आहे की या प्रकरणात काहीही माहिती असेल तर फोनद्वारे अथवा प्रत्यक्ष भेटून येऊन सांगावे। धन्यवाद। ब्युरो रिपोर्ट, NBC न्यूज।